लेंबू परे एवं टमाटो पाली दर है आकाश छुआ तीन चार दिन तले टमाटो 25-30 टंका थिला एबे केजी पिछा दर 80 टंका रही सप्ताहक भितर टमाटो मूल्य प्राय तीन गुण वृद्धि पाई किछि दिन तले लेंबूर दर वृद्धि पाई बेले एबे टमाटो दर बढ़िबारु ग्राहकों चिंता बढ़ी होलसेल दाम केजी पिछा 60 टंका रही खुचरा विक्रेता 80-90 टंका बिक्री करुछंती तीन दिन तले टमाटो केजी पिछा रही 30 टंका हठात दर वृद्धि नहीं ग्राहकों मनरे छनका पशिछि सेपटे व्यवसायी मुंडे हाथ देखती दिनक 100 ट्रे बदल 20 ट्रे टमाटो बिक्री करुछंती व्यवसायी बजार रे अभाव रही चाहिदा मुताबक मिलू नथिबारु एभली संकट देखा देछि माने डबल टू ट्रिपल हो गए आगे तो मुझे टमाटो नौ थी 25 टाँगा इन आस किए कह 60 टाँग किए कह 70 टाँगा माने सब जिन रेट बढ़ी जाइए आगे 10 टाँग को 5 टाँग मिलूला इन 20 टाँगा तीन टाँग मिलू नेबू महंगाई जाइए टमाटो महंगाई जाइए इतना महंगा सब्जी हो रहा है क्या खाएंगे टमाटर 60 रुपया बोल रहे हैं कभी 70 रुपया बोल रहे और ये प्याज कितना महंगा बोल रहे हैं आलू 22 रुपया बोल रहे हैं विशेषकर बांगालुरु पश्चिमबंग रायपुर नासिक अंचल टमाटो आसी थाए स्थानीय बजार जो टमाटो आसूला ता बंद हो जाए खरा जो एसबू नष्ट विशेषकर केन्दुझर जगत सिंहपुर पुरी जिलार टमाटो स्थानीय बजार को नियंत्रण करूला हेले सरीजा दर बढ़ी भुवनेश्वर एक नंबर मार्केट में 10 ट्रक टमाटो आसुवा बेले एवं 4 ट्रक आसू बड़ कथा बाहर आसुवा टमाटो अधिक समय रुना खरा जो नष्ट सेपटे बांगलोर नासिक्रु टमाटो आसवाक 15 दिन समय लगे यह आसवा पर दर कम छत्रबजार पर व्यवसायी संघर साधारण संपादक देवेंद्र साहू जेहेतु लोकाल ना बाहर निर्भर करेट बढ़े ये बढ़ुच्छी सफिसीयंट भी आसपार नहीं सेठिकार जो फसल आउ 15-20 दिन लगे आसवापी आई अभी एत कंचा अच्छी आसवा दिन जिते खरा हो सी भी नष्ट बहुत दागी पचा बाहरी जाऊँ से रेटा रही ये आमको आहरी 15-20 दिन में धीरे धीरे पुणी अवस्था स्वाभाविक हम बर्तमान में 60 टाँग किलो अच्छे सर दिन तेज़ 80 माल टी आईल कमी गल बेपार टी ना ईद बजार था रेट बढ़ी ईद टी कम ईद सर रेट टी कमी माल टी सर्ट रोचना माल सर्ट रहा कम माल से जगह आस गाड़ी 10 गाड़ी आगे दी गाड़ी आस अटो कौट माल चलित बर्ष टमाटो केजी पिछा 5 टंकारे बिक्री करी मुंडरे हाथ देउथिला ओडिसार चासी शीतल भंडारर अभाव पाई एसबू नष्ट हो जाइछि हेले बाहर टमाटो को किंतु चढ़ा दर रे किणी राज्य सरकार तांको दक्षता देखाउछंती ब्युरो रिपोर्ट ओडिसा रिपोर्टर।